तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष लाया हूँ असमिया संस्कृति के जनक, असमिया साहित्य का निर्माता महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ ही हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। गांधी जी का एक कथन है कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं, और वही कारनामा कर दिखाया असम के सुप्रसिद्ध कवि, समाज सुधारक, विचारक, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि चिंतन के क्षेत्र में भी असम प्रदेश में क्रांति ला दी थी, जिसका प्रभाव निकटवर्ती प्रदेशों में भी भरा। श्रीमंत शंकरदेव, जिनका जन्म सन 1459 में असम के नौगांव जिले के आलीपुखुरी में जन्म हुआ था, उनके पिता थे कुसुम्बर भुइया और माता थी सत्यसंधा। बचपन में माता पिता का देहांत होने के वजह से अनाथ बालक के लालन पालन का भार उनकी दादी खेतखुटी पर पड़ा। शंकरदेव के अनेक कथाएं हमारे सामने आती है। बाल्यकाल में एक बार उन्होंने बाढ़ के समय महाबाहु ब्रह्मपुत्र के एक ओर से दूसरी ओर तक तैर कर पार। इसके अलावा भी वो एक बार एक सांड के साथ लड़ पड़ा और लड़ते लड़ते उस सांड को ही गिरा दिया। शंकरदेव 12 साल तक पाठशाला नहीं गए। उसके बाद उसकी दादी माँ ने गुरु महेंद्र कंदली के पाठशाला में भर्ती करा दी। उन्होंने पाठशाला में नाम भर्ती के दिन ही एक कविता लिखकर गुरु को आश्चर्य कर दिया, जहां पर स्वर मात्राओं का कहीं भी प्रयोग नहीं किया। उस कविता की प्रथम दो लाइनें हैं, करतल कमल कमल दल नयन, भवदव दहन गहन बन शयन। इस कविता को सुनकर गुरु महेंद्र कंदली गदगद हो उठे। श्रीमंत शंकरदेव ने संस्कृत भाषा का ज्ञान अपने गुरु से ही लाभ किया तथा साहित्य के बारे में भी सम्यक ज्ञान आहरण किया। वहीं पर ही उन्होंने पुराण, महाभारत, रामायण, ज्योतिषी, इतिहास आदि अनेक विषयों में शिक्षा ली और उसमें निपुणता हासिल की। इसके बाद से ही हुए निरंतर रूप से लिखते गए। शंकरदेव एक वैष्णव धर्म के भक्त तथा प्रचारक थे। उन्होंने भारत के प्रायः सभी धार्मिक स्थलों पर सैर किया और विभिन्न विषयों पर ज्ञान हासिल किया। उन्होंने असम के पूर्व से पश्चिम तक सैर किया और जगह जगह पर नामघर और सत्रघर बनाए, ताकि वहां पर लोग एकत्रित होकर भगवान का गुणानुकीर्तन कर पाए। पूरे असम में इन दोनों ही स्थानों को पवित्र स्थल के रूप में मानते हैं। उन्होंने 240 के आसपास बरगीतों की रचना की थी, लेकिन संयोग बस आज 34 ही पाई जाती है। इन बरगीतों को नोबेल नंबर्स भी कहा जाता है। शंकरदेव ने नव वैष्णववाद की स्थापना की। उन्होंने श्री कृष्ण के महानता श्रेष्ठता के ऊपर भक्ति रस से समृद्ध पवित्र ग्रंथ, नाटक आदि की रचना की। इन सब की रचना उन्होंने असमिया भाषा में न करके ब्रज बोली में किया। शंकरदेव ने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे, जिनमें से प्रमुख है कीर्तन घोषा, दशम, रामायण का उत्तरकांड, रत्नावली आदि। उन्होंने 6 अंकिया नाट भी लिखे, जो क्रमशः है पत्नी प्रसाद, कालिया दमन, केली गोपाल, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण और राम विजय। उन्होंने अंकिया भावना का भी परिचय करवाया, जो आज भी उतने ही मशहूर है जितने की पहले थे। शंकरदेव का सबसे प्रिय शिष्य माधव देव थे, जिन्होंने गुरु के कर्मराजी और धार्मिक उद्देश्य को आगे बढ़ाया। शंकरदेव
जिन्हें असमिया जाति का निर्माता कहा जाता है। असमिया जाति साहित्य, संस्कृति, धर्म आदि में उनका योगदान सर्वोपरि है। सन 1568 में 119 वर्ष की उम्र में यह बैकुंठगामी हुए। इस महान विभूति के अवदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते, इसलिए हर असमिया के दिलों में आज भी वह बसते हैं।